नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल चिम्मू रिएक्ट्स में। तो दोस्तों, आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की जो आखिरी मूवी थी बॉलीवुड में, वो थी दिल बेचारा। तो आज ही उसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, तो चलिए उस पर रिएक्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है वो ट्रेलर। वैसे तो रिएक्ट करना उस पर सही नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे कैसा है वो ट्रेलर, किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी लास्ट मूवी में एक्ट किया है। चलिए पहले ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कैसा मजा आया हमें ट्रेलर में। लेट्स मेरी नानी बचपन में अक्सर मुझे ये कहानी सुनाया करती थी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। मेरा नाम किसी बासु है, क्यों है मत पूछो। मुझे कैंसर है। तो गाइज़, ये था ट्रेलर दिल बेचारा का, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी थी। यार मैं तो ट्रेलर भी पूरा नहीं देख सका। मतलब सुशांत सिंह राजपूत ऐसा इंसान जो अपनी लास्ट मूवी में ये कहता है कि सुसाइड नहीं करना है, चाहे कैसी भी सिचुएशंस आए हमें सुसाइड नहीं करना है। आखिरी मूवी में भी ये वो बंदा यही कह रहा है कि जन्म लेना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, वो हम डिसाइड नहीं करते, वो ऊपर वाला डिसाइड करता है। और फाइनली वो अपने हाथ में लेके अपनी जान खुद ले ले, क्या ये पॉसिबल है? बहुत इम्पॉसिबल है, लग नहीं रहा कि ये किसी भी एंगल से सुसाइड हो सकता है। सीबीआई रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा एक्चुअल रीज़न क्या था, और मैक्सिमम इशारे जो कर रहे हैं ये तो मर्डर ही लग रहा है। किसी भी एंगल से लग नहीं रहा कि एक ऐसा इंसान जो बाकियों को मोटिवेट करे खुद ऐसे सुसाइड कर सकता है। और रही ट्रेलर की बात, क्या कहें यार, इस जैसा एक्टर शायद ही बॉलीवुड में दोबारा पैदा हो, इतना मल्टी टैलेंटेड। हैट्स ऑफ ब्रो, रियली गोना मिस यू ऑल। नहीं आ पाएगा ऐसा एक्टर दोबारा। और ये किस कारण हुआ, मर्डर है या बॉलीवुड से तंग होके उसने सुसाइड किया, नेपोटिज्म के चक्कर में ये सब हुआ, कुछ नहीं कह सकते। बट इतना है कि सुशांत, वी ऑल आर गोना मिस यू। गाइज, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और आप सुशांत को कितना प्यार करते हो, लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना, ये सिर्फ सुशांत के लिए। और हाँ, वी डिमांड सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत केस, ये हैशटैग चलना चाहिए।